मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर मचा दी, ज्यादा जल्दबाजी में हो दो खबरों को मिलाकर पढ़ने तो भी एक नई बात पैदा होती है। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। हुआ क्या, एक दिन मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। उसे मिलाकर पढ़ा तो बहुत देर तक सोचा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हॉलैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना मेरे यहाँ दिल्ली की है, दिल्ली से आपके बीच में आया। दिल्ली की यह घटना है, 16 नवंबर 2 साल पहले की बात है। उस दिन हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही शहर में 35,000 शादियां एक ही दिन में। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। दोनों खबरें साथ साथ छपी हुई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। इस तरह के प्रयोग कई वरिष्ठ, एक नया प्रयोग इसमें मैंने किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में बसों में ट्रकों पर तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे, भाई मेरे टाइम में बांट लियो सारे के सारे।